हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे, किसी भी उम्र का हम आपको, यानी कि अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो ऑनलाइन घर बैठे कैसे करेंगे और बनाएंगे, इसके बाद हम एकदम आसान सा तरीका बताएंगे सर्टिफिकेट कैसे, यानी कि आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या लगता है, कैसे बनता है, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा और कहाँ से बनवाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या लगता है, पूरी डिटेल से इसकी जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्किप नहीं करना। चैनल पर पहली बार आए हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो पहुंचते रहते हैं। और ऑनलाइन आवेदन के 60 साल, विधवा पेंशन, विकलांग, आवास योजना, वृद्धा पेंशन और ये PM किसान, काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और स्टेटस कैसे चेक करना है, नाम पैसा कैसे चेक करना है, सब आपको पता चलता है हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिंपली हमें फॉलो कीजिए, जैसा हम करते हैं वैसा करिएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम वेबसाइट में ओपन होके आ गए हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट वेबसाइट में। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र इस समय सभी के लिए ज़रूरी दस्तावेज है जो पहचान और नागरिकता के प्रमाण रूप में, यानी पहचान और नागरिकता के रूप में कार्य करता है। 1 अक्टूबर 2003 से बर्थ सर्टिफिकेट को आधार की तरह से ज़रूरी दस्तावेज के रूप में, यानी कि मान्यता मिल गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लाभार्थी को 15 से 20 दिनों के अंदर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अब आगे आपको जानकारी देते हैं क्या कैसे है इसकी डिटेल। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा, अगर आपके बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल में ही बन जाता है। आपको पता ही हो, सरकारी अस्पताल के लिए अधिकृत रहता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जन्म हुआ है तो आप इसके लिए 21 दिनों के भीतर अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हाल ही में 21 दिनों के बाद भी आपका नहीं बनवा सकते हैं तो बच्चे और बड़ों के लिए, दोनों के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बच्चों का आधार कार्ड बनने, स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए वो आपका, यानी कि सरकारी नौकरी या आवेदन करने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, बैंक खाता खुलवाने के लिए, विवाह के समय आयु प्रमाण पत्र के लिए, माता पिता की सूची नामांकन के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। यानी कि इतने सारे आपके हो सकते हैं तो मांगा जा सकता है, इसलिए आपको बनवाना ज़रूरी होता है। अब आगे आपको बताते हैं ऑनलाइन की आपको प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन आवेदन आपको अपने मोबाइल से कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर दिए जन्म प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आपको होम पेज पर साइन, यानी कि जब आप वहाँ डालेंगे, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र को UP गवर्नमेंट जो भी है, जहाँ से भी हो तो आप डाल दीजिएगा, वो वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाएगी। आगे हो सकता है लास्ट में हम आपको बता भी देंगे, पहले डिटेल दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है, समानता जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जिसके बाद मैं साइट में स्क्रीन में एक फ़ोटो लगा दूंगा, वैसे वैसे आप करते रहिएगा। तो ये ईमेल आईडी पर प्राप्त लिंक की सहायता से यूज़र आईडी बना लेना है, पासवर्ड वगैरह, क्योंकि यूज़र आईडी लगती है और किसी भी गवर्नमेंट काम के लिए। इसके बाद दोस्तों, आपको आधारित वेबसाइट में जाकर वापस लॉगिन कर लेना है। आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन क्लिक करना है और वहां सर्टिफिकेट अप्लाई फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। उस फॉर्म को आवेदन फॉर्म, यानी कि इसके बाद आवेदन फॉर्म दी गई सभी जानकारियों को सही से भर देना है। आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके आवश्यक दस्तावेज स्कैन अब अपलोड कर देना है, फॉर्म होगा जो भी, यानी कि डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर देना वहीं से, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर। फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म को क्या करना है, का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आप उसका प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो आप दुकान पे जाके कहीं से निकलवा सकते हैं फॉर्म को। फॉर्म में दिए गए रजिस्ट्रेशन में एड्रेस और जन्म फॉर्म को दस्तावेज जमा करवाने के लिए समर्थन रसीद प्राप्त करनी होगी, जिसके द्वारा जानकारी वेरीफाई करने के बाद आपको जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। अब इसके लिए, जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए, हम चलिए आपको लेके चलते हैं जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के, आपके जैसे आप गवर्नमेंट वेबसाइट में ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ खुल जाएंगे। तो जो मैं बता रहा था कि लॉगिन करना है, वो आईडी यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है, अपने एक आईडी बना लेना है, यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, ये कैप्चर है, फिर करके लॉगिन कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा, आपको फॉर्म भर देना है। और ये देखिए, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन की
तो आपको ये फॉर्म को फिल कर देना है। ये फॉर्म आपके सामने ओपन होके आएगा, तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, बना लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकार अगर आपको नहीं आता तो आप हमें कमेंट बताइएगा, हम आपको ऑनलाइन आवेदन करना अगले वीडियो में सिखा देंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं पर करते हैं स्टॉप।